साथियों, ये बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव का दीघा घाट है। ये गंगा जी में जो दूर दूर तक आप बैरिकेड्स देख रहे हैं ना, यहीं पर अभी एक दो दिनों में पूरा शहर जुटने वाला है। ऐसा दृश्य होगा जैसे पूरे बिहार के लोग यहीं पर आन पड़े हैं। छठ व्रत जो होने वाला है, तमाम ट्रेन बसों में आप सुन देख रहे होंगे कि हाउसफुल है। दुनिया जहां से बिहारी बिहार जो आ रहे हैं। एक कहावत मशहूर है साथियों बिहारियों के बारे में, आप पेमेंट दो न दो, छुट्टी दो न दो, ट्रेन में सीट रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता बिहारियों को। वे सब कुछ एक झटके में ही छोड़ छाड़ कर छठ में घर अपने बिहार अवश्य आएंगे। आपको शायद पता नहीं, यहाँ के गांव, यहाँ के घाट उनके आने का इंतजार जो करते हैं, और कारण सिर्फ एक ही है, छठी मैया ने बुलाया है। जी हाँ, छठी मैया ने बुलाया है। उनकी पुकार अनसुना नहीं कर सकता कोई भी बिहारी। साथियों, क्योंकि इस पूजा में सूर्य नारायण यानी कि प्रकृति की पूजा होती है, इसलिए इस महाव्रत में बांस से हाथ के बुने हुए दौरा यानी टोकरी और सूप की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे एक ऐसा ही गांव जहां एक ही परिवार के लोग पिछले तीन पीढ़ियों से बिल्कुल ही विषम परिस्थितियों में छठ व्रत के लिए सूप बुनते आ रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं इस वीडियो को।
आपका नाम? मनोज मलिक। जोर से बोलिए। मनोज मलिक। मनोज मलिक। हाँ। मलिक। हाँ। हाँ। हुनर कहाँ से सीखे? ये हमारा खानदानी। खानदानी के साथ। मम्मी पापा सबसे। हाँ। सोनू मलिक। साथियों आप देख सकते हैं ये तीन पुस्त गुजर गए, इनका कहना है परदादा छरदादा तक तीन पुस्त गुजर गए हैं। और अभी देख लीजिए इनका घर का ये दशा है, कोई शासन ना दिए ये। और हुनर आप इनके हाथ में, आपको इस वीडियो में आपने देखा होगा, हुनर आपने देखा होगा। और ये घर की माली हालत ये है, कहाँ है सरकार और कहाँ हैं वो लोग जो हाथ के हुनर का कद्र करते हैं। अरे हाँ साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह की धार्मिक गतिविधि की वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। साथियों आपके भी गांव में कोई इस तरह की चीज़ बनती हो तो आप हमें बताएं, हम आपके वीडियो को अवश्य अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।